SAGNCHRI द्वारा क्रिसमस फेयर फॉर किड्स का आयोजन किया गया था, जिसमें थैलेसीमिया से लड़ रहे परिवारों के बच्चों के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें मैजिक शो, टॉय ट्रेन, जंपर्स जैसे खेलों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विंकी रघुवानी, डॉक्टर वर्बे थी। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है मुख्य अतिथि एवं SAGNCHRI के डॉक्टर्स के साथ। आइए डालते हैं एक नजर। SAG कैंसर हॉस्पिटल द्वारा जो है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर वर्बे है और डॉक्टर रुगवानी है। क्या बताओगे सर, आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है उसके बारे में? कल क्रिसमस है, क्रिसमस के तौर पर जो है छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राइट, सबको इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं। और बेसिकली ये जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया है, ये एक नई आशा की किरण थैलेसीमिया बच्चों के या उनके फैमिली में देने का जो प्रयास है, जो ट्रांसप्लांट के थ्रू किया जा सकता है और नॉर्मल ज़िंदगी जीने की जो कोशिश है वो की जा सकती है, इसके लिए यहाँ पे एक बेसिक अवेयरनेस और इसके लिए अपन क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं एट दिस सेंटर, इस उद्देश्य से ये जो प्रोग्राम किया है ये बहुत सराहनीय है और मैं उसकी तहे दिल से तारीफ़ करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर निषाद दकाते हूँ। मैं यहाँ पर हीमाटोलॉजिस्ट मतलब कि ब्लड डिसऑर्डर और ब्लड कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आज का फंक्शन में हमने बच्चों को बुलाया गया है क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। और हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हमने पिछले 4.5 साल में जितने भी ब्लड कैंसर के बच्चों का इलाज किया है, उनको इस रोग से, इस कैंसर से जीतने के लिए हम बधाई देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनके लिए एक मनोरंजन प्रोग्राम हमने ये किया है। दूसरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हमने एक जेनेटिक डिसऑर्डर है थैलेसीमिया करके, उनके बच्चों को बुलाया है। उनके लिए हम लोग स्पेशल OPD चालू कर रहे हैं, जहाँ पर हम एवरी फ्राइडे और एवरी सैटरडे इन बच्चों को हम लोग देखेंगे, उनके बीमारी कैसी चल रही है, उनका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और उनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं ये करेंगे, ताकि ये बीमारी जो है वो जड़ से उखड़ जाए। हाँ नमस्कार, आज ये SAG कैंसर हॉस्पिटल में एक बेहतरीन और अनोखा कार्यक्रम, यानी कार्यक्रम तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें ऐसे जो बच्चे हैं जो कि अपने स्वास्थ्य की वजह से उनके उन बच्चों को और उनके परिवार को हमेशा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आपको पता है थैलेसीमिया कैसी बीमारी है, जिसमें बार बार ब्लड देना पड़ता है, हर 15 दिन में उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और कई महंगी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। तो ये सब तकलीफ़ों से दूर आज उनको एक अच्छा एक कार्यक्रम जिसमें उनको कुछ अलग सा महसूस हो। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, तो ये जो बच्चे होते हैं इनमें बहुत अच्छा टैलेंट होता है और ये हमेशा चाहते हैं कि हम कभी ना कभी आगे आकर अपनी ओर से कुछ ना कुछ लोगों के सामने दिखाएँ। और आज इस प्रकार के जो मौके होते हैं, जिस प्रकार से आज SCG कैंसर हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय मेहता जी और कमलजीत जी और सब ने मिलकर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसमें निश्चित रूप से जो बच्चे आए हैं या पेशेंट्स और उनके जो पेरेंट्स आए हैं उनको बड़ी खुशी मिलेगी। धन्यवाद। जिस तरह से देखा कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो है थैलेसीमिया जो है बच्चों को हुआ है या उस बीमारी से गुजर रहे परिवारों को यहाँ इनवाइट किया गया है और उनके लिए जो है खास मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन SCG कैंसर हॉस्पिटल द्वारा किया गया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।